सिखाएंगे ब्लाउज की कटिंग, बेल्ट वाले ब्लाउज की भी और सिंपल ब्लाउज के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कैसे कट होता है। तो ये हम आपको ब्लाउज का मेथड लेके कि ब्लाउज से माप कैसे लेते हैं फिर कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए माप कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम आपको एक बार वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर पर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और उंगली की हेल्प से ऐसे इसको खींचेंगे। तो 14.5 हो गया इसकी लेंथ। और अब हम इसकी चेस्ट का माप लेंगे, यहाँ से 18 इंच होगी इनकी चेस्ट और जो ये कमर है इनकी, क्योंकि एक बार बंद कर लेने हैं आपने सभी के सभी जब आप माप ले रहे हो। तो यहाँ से हमने कमर का माप लेना है, ये हो गया 15। तो 15 का ये माप हो गया। फिर हम नेक का माप लेते हैं, यहाँ से शोल्डर से और नेक की जो लेंथ है वो 6 इंच की आ रही है। तो फ्रंट नेक हो गया 6 इंच का, बैक नेक, बैक नेक भी हम ऐसे ही सेंटर लेके देखेंगे यहाँ से और इस तरीके से ऐसे करके देखेंगे कि इसकी बैक की लेंथ कितनी, ये होगी 9.5। तो 9.5 बैक का नेक हो गया। अब हमने स्लीव्स का माप लेना है। तो स्लीव्स का माप हम कैसे लेंगे, यहाँ से जो हमारा जॉइंट है उसको देखेंगे और ये 9 इंच पे हमने निशान लगा लेना, यानी कि जितनी आपकी स्लीव्स बैठती है उतने ही आपकी लेंथ होगी। फिर हमने मोहरी देखनी है, मोहरी हम देख रहे हैं 5.5 इंच की मोहरी होगी, जैसे कि इस तरीके से माप लेने हैं आपने सभी। एक हम माप लेंगे ब्लाउज ही, अगर आप देख के माप ले रहे हो तो डर्ट पॉइंट का ब्लाउज में शोल्डर से हमने देखना है और जहाँ तक आपकी डर्ट पॉइंट आई है यहाँ तक है आपकी डर्ट पॉइंट। तो इस तरीके से देखोगे 9.5 पे आई है, तो डर्ट पॉइंट 9.5 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी इसी माप के अकॉर्डिंग कटिंग। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, डबल फोल्ड ये फैब्रिक है, इसको हम उल्टा करके बिछाएंगे। हमारे किसी भी ब्लाउज को अगर हम स्टिच कर रहे हैं तो उसमें इनर जरूर लगता है, बट अगर किसी किसी में ना चाहो तो कॉटन का है जैसे मोटा फैब्रिक है वो अलग बात है, वरना ज़्यादातर सभी ब्लाउज में इनर हम लगाते हैं। यानी कि बिना बेल्ट का पहले तो इक्वल कर लेना है फैब्रिक को, यहाँ से भी हम इक्वल कर लेते हैं फैब्रिक को। अब हम निशान लगाएंगे। आपने एक चीज ये भी देखनी है, जो ओपन हिस्सा है हमारी तरफ किया हुआ है, फोल्डेड हिस्सा है आपकी तरफ है। कोई भी ब्लाउज कट करो आपने बिल्कुल इस तरीके से करना है, अगर आप फ्रंट में हुक लगा रहे हो तो, अगर बैक में हुक लगा रहे हो तो बंद हिस्सा हमारी तरफ करना है, ओपन हिस्सा अपोजिट साइड करना है, बस ये देखना है। तो उससे आगे आपने क्या देखना है, आप जो भी शोल्डर रखोगे वो सेंटर से लेना है, आप शोल्डर यहाँ से नहीं लोगे, आपने जहाँ ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है वहाँ से शोल्डर लेना, ये बात भी सबने नोट कर लिया, बिल्कुल ध्यान देना। तो हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, जो नॉर्मल हमारा ब्लाउज कटता है उसकी लेंथ कैसे लेते हैं हम बताओगे एक बार, जैसे कि 14.5 लेंथ है हमारी, कितना एक्स्ट्रा लेते हैं 2.5 इंच लेते हैं है ना, बेल्ट वाले में लिया था वो, सिंपल में 2.5 लेंगे। अगर बेल्ट वाला कट कर रहे हैं तो 2.5 लेते हैं, तो आपके लिए मैं अब समझ सकती हूँ नया ही यही कमाता है, ठीक है ना। तो यानी कि 14.5 हमारी ये लेंथ होगी, 2.5 इंच हम लेंगे इसमें एक्स्ट्रा, वो किस लिए ले रहे हैं हम, 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड होएगा, 1/2 इंच ऊपर फोल्ड होएगा, 1/2 इंच जो हमारी डर्ट लेंगे उसमें फोल्ड होएगा, तो पूरा कवर हो गया 2.5। पहले हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब हमने यहाँ
बैकनेक के साथ। वेरी गुड, हाँ आप दिखाओ एक बार मुझे। जैसे कि बैकनेक है इनका 9.5 का, तो हम शोल्डर कितना लेंगे? अगर मान लीजिए इनका शोल्डर होता 14 या 15 का कितना भी, तो हम 9.5 के हिसाब से लेंगे 5.5, ठीक है? क्योंकि जितना बड़ा नेक होएगा उतना ही हम 2 इंच तो कम करेंगे ही करेंगे, तो ज़्यादा होएगा तो 5.5 हम रख सकते हैं बड़ा नेक के हिसाब से। तो यहाँ से हम 5.5 पे निशान लगा लेते हैं। हाँ नहीं, जैसे कि किसी का शोल्डर 14 इंच का, हाँ तो उसमें 5.5 से कम हो सकता है, 5 का हो सकता है, 5 से कम नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमने निशान लगाया 5.5 का। अब हमने क्या करना है, ये निशान सीधा कर लेना है और ये निशान हम लगाएंगे नेक के हिसाब से 6.5 पे। नेक बहुत बड़ा है इसलिए हमने आर्म होल भी छोटा लिया, ऊपर से ब्लाउज की जो कटिंग होती है उसमें भी हमें थोड़ा सा कम ही लेना होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कम लेना होता है हमें आर्म होल। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चेस्ट ली थी वो निशान लगाएंगे, वो हमारी थी 9 इंच यानी कि 18 थी, तो हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे। फिर हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, सूट में हम लेते हैं 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा, ब्लाउज में हम लेते हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा, वो किस लिए, जब हम डर्ट डालेंगे 1/2 इंच उसमें चला गया। अब नीचे आपने क्या करना है, जितना आपने यहाँ तक लिया, समझ आ रहा है ना सबको, जितना आपने यहाँ तक लिया हो गया 11.5, नीचे कितना लेंगे 1/2 इंच कम, तो 11 इंच पे हमने ये निशान लगा लेना है, इसको हम सीधा कर देते हैं। अब हमने ये राउंड शेप देनी है, राउंड शेप का भी आप सबको पता है, इसका हम 1/2 करेंगे, 3.5 हो गया, 3.5 का 1/2 करेंगे, 2.5 हो गया, 2.5 को हम इसके साथ मिला देंगे। अब हमने ये राउंड शेप देनी है यहाँ से, तो ये हमारी बैक की छटाई हो गई। आप चाहो तो हल्का सा अंदर की तरफ कर सकते हो, नहीं तो ये भी चलेगा, ठीक है? लेकिन ब्लाउज साइज में थोड़ा सा आपने अंदर लेना पड़ेगा, तो हम बाद में देखते हैं, पहले आपको ये निशान बता देते हैं। तो आपने इस तरीके से ये निशान लगा लिए सारे के सारे, ठीक है? आपने एक पैर का मार्जिन यहाँ भी रखना होता है इसमें, क्योंकि वो आपके दबाव में जाएगा और उस मार्जिन से आगे ही आपने निशान लगाने होते हैं। 5.5 का जो शोल्डर लेना है, इतना सा फैब्रिक छोड़ के फिर लेना है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज कट करना है। तो इसके निशान और समझा देते हैं हम प्लेटों के कैसे लगेंगे। समझ लो आपने ये निशान लगा लिए, तो एक बार इसकी फ्रंट की चटाई का और निशान लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से हुए, थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो गया, इस तरीके से हुए, ठीक है? ये हमारी जो फ्रंट की चटाई हो जाएगी और ये बैक की हो जाएगी, ठीक है? तो अब हमने डार्ट किस तरीके से लगानी है, कटिंग सबको यहाँ तक आ गई। डार्ट के निशान, जैसे मान लीजिए इनका जो डार्ट का निशान था वो था 9.5 पे, हम निशान लगाएंगे 10 पे, 1/2 इंच ऊपर दबने के लिए, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब हमने निशान लगाने हैं नॉर्मल साइज के लिए 3.5 पे, और जो दूसरा निशान है वो लगाएंगे 1.5 या 2.5 पे, तीसरा निशान हम लगाएंगे इन दोनों के बीच बट बाहर की तरफ थोड़ा सा, बिल्कुल सेंटर में नहीं, इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, इसको बिल्कुल सीधा लेके आएंगे, इसको यहाँ पे टक कर देंगे, एक निशान हम इधर भी लगाएंगे जो 1/2 इंच नीचे मिला देंगे, ठीक है? इसको हम 1/2 इंच नीचे डाउन कर देंगे। अब आप जो ये निशान लगाओगे, हाँ मान लीजिए आपने ये सीधा निशान जो लगाया यहाँ पे, इस तरीके से आपने डर डाले नीचे वाली, ये डर डालनी है आपने बिल्कुल एक पैर का मार्जिन, ऐसे ही सेम ये डर डालनी है आपने एक पैर का मार्जिन, ये डर आपने डालनी है एक
स्क्वायर का मार्जिन। क्लियर हो रहा है सबको? ये सिंपल होगी आपकी। अब हमने ये डालनी कहाँ तक है? यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ, ठीक है। तो सिंपल ब्लाउज के आपकी डॉट के निशान ऐसे लगेंगे। ये मैंने नॉर्मल साइज के लिए बताए हैं, जैसे अगर मेरा साइज है तो, ठीक है, मेरा साइज जैसे नॉर्मल साइज में आता है। अगर इससे भी कम साइज हो आप थोड़ा सा कम कर दो। ये मतलब होता है हमारा कप साइज बनाना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा आपको ये चीज़। तो फिर जैसे कि थोड़ा सा मान लो बड़ा साइज है, अब इस ब्लाउज के साइज का है, तो हम ये निशान लगाएंगे यहाँ पे, ये निशान लगाएंगे यहाँ पे और ये निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें वही रहेंगी, ये सरक जाएगा थोड़ा सा 3.5 की बजाय 4.25, और ये निशान थोड़े हो जाएंगे ताकि साइज का। नीचे वाली मैम, जो लंबी वाली है, नीचे वाली डॉट पॉइंट भी सरक जाएगी क्योंकि उनकी इसकी 9.5 पे है, मतलब उस तरीके से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस वही चीज़ होती है सारी। तो बस आपको ये चीज़ें समझ आ गई ना? तो आप इसका बैक में जो निशान लगाते हो वो भी आप सबको पता है, बैक वाला जो निशान लगाएंगे हाफ इंच साइड से कम, और उसके बाद जैसे कि ये चटाई भी होगी, और एक इसमें हम ऊपर से दोनों चीज़ें इक्वल लेते हैं ब्लाउज में, ध्यान रखना। हम चोट में जैसे कि एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें इक्वल लेते हैं। तो अब आपने हम मतलब बैक अगर कट करेंगे तो सिर्फ ऐसे ही करते, सारा सब कुछ ये ले लेते, इस हिस्से को उठा के यहाँ पे रख देते, बस इस हिस्से को उठा के यहाँ पे रख देते बंद हिस्से की तरफ, यहाँ से तीरा आराम और ऐसे, और ये निकल के आ जाता। अब हमने ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, इसको अब हम वापस से पलट देते हैं। तो चलिए बेल्ट के ब्लाउज के निशान किस तरीके से लगते हैं वो समझाते हैं। सबसे पहले तो हमने फिर से वही लाइन इक्वल कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से ये भी इक्वल कर लेना है, हो गया। फिर हमने क्या करना है, लेंथ लेनी थी 14.5। अब हमने कितनी लेंथ लेनी है इसकी, 14.5, एंड कितना एक्स्ट्रा, 3.5 एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा अब ये 3.5 एक्स्ट्रा क्यों हुआ, बेल्ट भी जुड़ेगी अब, है ना। आपके जैसे कि आपने ब्लाउज पहले भी सीखे थे, आपको ब्लाउज की नीड भी रहती है, तो अब अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा होगा, माइंड एकदम क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे कट करते हमने क्या अंतर किया इसमें, 2.5 उसमें एक्स्ट्रा लिया था, इसमें 3.5 एक्स्ट्रा लिया, बस ये फर्क किया लेंथ में। अब हमने क्या करना है, एक तो शोल्डर का निशान लगा लेना, एक हमने 6.5 पे जो निशान लगाया है इसको सीधा कर लेना है। का हमने शोल्डर लेना है,
यहाँ से सामना देख लेते हैं, यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं। 6.5 का निशान मैंने पहले लगा लिया था। अब जो वेस्ट हमने लेनी है वो लेनी है 9 इंच की, तो 9 इंच हम यहाँ से लगा के ले रहे हैं, 2.5 इंच फिर से एक्स्ट्रा लेंगे। समझ आ रहा सबको? अब जो टोटल हमने मापा है 11.5, तो यहाँ से 11 लेंगे, 1/2 इंच कम, इसको हम मिला देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये डॉट पॉइंट हमने लेनी है, तो यहाँ से हम लेंगे 4.25। 4.25 पे डॉट का निशान लगा दिया, यहाँ से अंदर की तरफ लेंगे 2.25, यहाँ से 2.25, और यहाँ से 3.25 के करीब, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम बिल्कुल सीधा मिला देते हैं 4.25 पे, पहली जो हमारी जो मेन डॉट होती है वो, इसको 1/2 इंच डाउन कर देते हैं। सेम वही निशान आ रहे हैं सारे, बीच वालों को एक बार भूल जाओ, ये जो लगा रहा है, तो इसको हमने इसके साथ ऐसे मिला देना है। यहाँ मिला देना थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल जो हमने निशान लगाया है उसके नहीं, आप समझो आपने एक बार अभी तक ये निशान लगाया हुआ नहीं है, तो हमने ऐसे तिरछा कर दिया। हम तिरछा कितना करते हैं, 1.5 या 2 इंच नीचे उतारते हैं, ये 1/2 इंच नीचे उतारते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। अब इसको हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से हम राउंड दे देते हैं फिर से। वो हमारी जो हमने निशान लगाया था वो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे जाता है, तो हमने हल्का सा अंदर की तरफ ले लिया। यहाँ से ये फ्रंट हिस्से की निशान लगा दिया छटाई का, हम अंदर नहीं गए हैं, 5.5 ही है, इससे ज़्यादा अंदर जाएंगे खींचेगा, ठीक है, तो बाहर के बाहर ही हमने कंप्लीट कर लिया है। एक डर्ट हमारी आएगी यहाँ तक, एक डर्ट हमारी आएगी यहाँ तक, और एक डर्ट आएगी हमारी यहाँ तक। तो हमारा जो सिंपल ब्लाउज की कटिंग है वो कर लेते हैं एक बार। अगर नीचे से फोल्ड होने का कपड़ा ले रहे हो तो, अगर गुम करने वाला ले रहे हो तो 1/2 इंच और 1 इंच और कम कर दोगे, यानी कि 5.5 ले रहे हो तो यहाँ से 4.5 ले, 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए गया है, 1/2 इंच दबने में जाएगा तो 1 इंच और कम, तो समझ आ रहा है आपको? 5.5 की लेंगे बेल्ट, अगर नीचे से गुम कर रहे हो 4.5 की लेंगे, यहाँ से 3 ले, 1.5 इंच का गैप दे देना। अब हमने क्या करना है, इसको जैसे ये हमारा निशान बिल्कुल सीधा लगाया हमने, जैसे हम आपको यहाँ पे समझाते हैं ऐसे ही, लेकिन इसमें हमारा कफ सेट नहीं हो पाएगा। हमने क्या करना, इस लाइन से हल्का सा नीचे उतरना है, इस जो लाइन से इसको हमने इसमें मिलाना है, और इसको हमने इसमें, यानी कि हमारी जो गोलाई है वो आनी चाहिए ताकि कप अच्छे से सेट हो सके। अब हमारी बेल्ट यहाँ से कट गई। ये हमारी बेल्ट कट गई है,
यहाँ से हम कट लगा लेते हैं, हमारी जो चुन्नट है वो डले। अब आप जब इसको जोड़ोगे ना यहाँ से, तो आप जब इसको जोड़ रहे हो ऐसे, तो इतना सा फैब्रिक आपका एक्स्ट्रा जाएगा। तो इसको आप जोड़ने के बाद भी कट कर सकते हो, पहले भी कट कर सकते हो। बस ये आपका जो बेल्ट वाला ब्लाउज है वो आपका कट हो गया है। अब आपने बैक हिस्सा कट करना है। फ्रंट सब को समझ आ गया? इस तरीके से हमने कट किया है, ठीक है। अब हमने शोल्डर वहाँ से निकालना है इस तरीके से, और ऐसे कट करना। तो अब ये हमारा हिस्सा छोटा पड़ रहा है इसमें, तो ये तो निशान हम यूँ के यूँ दूसरी तरफ लगा रहे हैं। इनर लगाना पड़ेगा भाई, आपको कट कर यूँ का यूँ, और ऊपर के निशान तो यूँ के यूँ उठा लेते हैं। फिर हम लेंथ देखेंगे कि लेंथ कितनी है हमारी बैक हिस्से की। लेंथ 14.5 इंच है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, अगर बैक वाला भी फोल्ड करना है। फ्रंट में हम सिंपल ब्लाउज में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो बैक में हम 2 इंच ही लेते हैं, 1/2 इंच हम कम करते हैं। मैंने बोला ना बैक वाले का कम कर देना, साइड से भी नीचे से भी। तो बैक में हम ओनली 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 14.5, तो 16.5 लेंगे हम। 14.5 का रेडी करना है 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हम इस लाइन को भी सीधा कर देते हैं। तो ये हमारा बैक हिस्सा कट हो गया। साइड से भी आप थोड़ा सा ओनली बैक को। तो आपका ये बैक और फ्रंट हिस्सा कट चुका है। यहाँ से आप इसको इस तरीके से जो ऐसे रखोगे इक्वल आएगा, जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा जा रहा है वो ये डर्ट डलेंगे उनमें कवर हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा ये दोनों चीज़ें। तो आपका ये ब्लाउज का फ्रंट और बैक कट चुका। अब हम स्लीव्स कट करते हैं। तो स्लीव्स कितनी है इनकी, तो हम यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं और यहाँ से मापते हैं कितना है। तो ये 9 इंच की रेडी हो जाएगी, ठीक है। नीचे से भी फोल्ड कर देना और ऊपर से भी थोड़ा हदब में जाएगा। अब हमें ये हिस्सा कितना चाहिए कि ये चौड़ाई आ जाए। इनकी जो चेस्ट है वो है 18 यानी कि 36 में इन्होंने 4 इंच जोड़ रखे, तो हो गया कितना, 32 हो गया। तो हाँ मतलब लगा के चलो एक बार मेजर के लिए कि 4 जोड़ रखे इन्होंने, 3 जोड़ रखे होंगे, बस इतना ही होता है, काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो 4 जोड़ रखे तो हो गया 32 का फोर्थ हिस्सा करेंगे 8, तो हमारा ये निशान 8 पे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 32 में से 8 और 7, ठीक है। 8 जो 32 1 इंच फिर भी माइनस करेंगे, लेकिन इन्होंने अगर इतने नहीं जोड़ रखे तो 7.5 पे हम ये निशान लगा लेते हैं कि एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इनकी स्लीव्स कट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, मोहरी। मोहरी कितनी थी, 5.5 की, तो 5.5 पे हमने ये निशान लगा दिया। ये नीचे दबाना और ऊपर जितना दबाते हो उतना ही हल्की सी छटाई कर देना। बस आपका जो ब्लाउज है वो कंप्लीट कट हो चुका है। इसमें से आप पट्टियाँ और जो बैक में यूरेब लगाओगे फ्रंट में वो लगा सकते हैं। इसका नेक अगर आपने कट करना है तो हम कैसे कट करेंगे, यहाँ से हम 2.25 लेंगे, क्योंकि जब इसको स्टिच करेंगे तो ये 2.5 का हो जाएगा ओपन। हमने 9.5 लिया है इनका बैक का, तो हम यहाँ से 9.5 ही ले लेते हैं। अगर किसी को ब्रोड चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ से ब्रोड ऐसे कर सकते हो,
अगर किसी को डीप डीप चाहिए, ब्रोड़ना चाहिए, तो आप ऐसे ही कट कर, ज्यादा चौड़ा नहीं कट करना। तो ये आपका जो नेक है वो कट हो चुका है। बस सबको समझ आया अच्छे से? yes, बहुत ही मतलब इजी सा मेथड में समझा रही थी, मुझे भी लग रहा था कि कितना इजी मेथड कुछ भी नहीं है। तो अब सिंपल ब्लाउज और बेल्ट ब्लाउज आप बहुत अच्छे से कट कर सकते हो, स्टिच भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके आगे हो चुका है, इसमें स्टिचिंग में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। आप सबने कल ब्लाउज कट करके और स्टिचिंग भी करके दिखाना किसी को, तो बेल्ट वाला भी या फिर कोई सिंपल करो। तो ये निशान सबने मुझे चेक कराने हैं कल के।